हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने 2.1 प्रश्नावली, जिसमें बहुपद के बारे में प्रश्नावली मतलब परिभाषा आदि का हमने ज्ञान किया था, और उससे संबंधित हमें यानी ग्राफ पर शून्यकों की जांच की थी। तो आगे अब अपनी 2.1 प्रश्नावली समाप्त होने के बाद में अब अपनी प्रश्नावली 2.2 चलती है, जिसमें अपने द्विघात समीकरण की शून्यकों की जाँच करनी है और सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले अपने पास में प्रश्नावली 2.2, जिसमें बहुपद पॉलिनोमियल्स प्रश्नावली के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हमें उसकी परिभाषा देख लेते हैं कि नंबर एक अपने पास में है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब इसकी हमें परिभाषा जो देखनी है कि द्वि माने दो, घात माने घात। जिस बहुपद में या जिस चर में अधिकतम घात दो हो, यानी कि जिस बहुपद में अधिकतम घात दो हो, से द्विघात बहुपद कहते हैं। तो जिस चर में अधिकतम घात दो हो, उसे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे हम इसके एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे अपने पास में 2x² - 3x + 5, यानी कि इस बहुपद में अपने पास में इस x की जो घात है अधिकतम वो 2 है। इसमें यहाँ इस x की घात कितनी है, 1, और ये अपने पास में क्या है, अचर पद है। तो इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर नंबर 2 चलता है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप। जो हमारा द्विघात बहुपद बनता है उसका मानक रूप देखना है हमें, यानी किस रूप में वह द्विघात बहुपद आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ax² + bx + c, ये इस बहुपद का मानक रूप है, यानी ये अपने बहुपद की परिभाषा रही द्विघात बहुपद की, और ये अपने पास में द्विघात बहुपद का क्या है, मानक रूप है, कि इस श्रेणी में बहुपद आएगा, अपना द्विघात जो बहुपद है वो इस श्रेणी में आएगा। तो आगे हम देखते हैं नंबर 3 में कि जब हम द्विघात बहुपद को हल करेंगे, उसमें हमें शून्य ज्ञात करने, और शून्य ज्ञात करने के बाद में हमें उसकी सत्यता की जाँच करनी है कि हमारा द्विघात बहुपद जो हमने हल किया है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए हमें सत्यता की जांच करने के लिए हमें सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे हमें शून्यकों व गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। जांच के लिए अपने पास में सूत्र दे रखे हैं, तो जांच के लिए अपने पास में सूत्र दे रखे हैं, तो दो तरीका से लिखा देता हूं कि एक थोड़ा सा हिंदी में जो अपने उसके चर राशि अचर राशि दे रखी है उसके आधार से। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे हम शून्यकों का योग बराबर, तो यहां पर माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। उसके बाद में यहां पे और चलता है, ये शून्यकों का योग है, यहां पे शून्यकों का गुणनफल। तो इसके लिए यहां पे अचर पद वटे x² का गुणांक। तो ये इसी तरीका से यहाँ पे इसके हम थोड़े से शॉर्टकट रूप ले लेते हैं
जिससे हमें आसानी से याद रहे। तो यहाँ पे जो शून्यकों का योग है, अपने पास में यहाँ जो शून्यकों का योग है उसको हम अल्फा एंड प्लस बीटा मान लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो दोबारा देखो कि यहाँ पे अपने पास में जो शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग यानी शून्यक अपने पास में द्विघात बहुपद है। शून्य के लिए हमें द्विघात बहुपद के जो शून्य ज्ञात करने, द्वि माने दो, घात माने घात, तो जिस बहुपद की अधिकतम घात दो हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। तो द्विघात बहुपद है तो उस द्विघात बहुपद में अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होगी वो दो होगी। तो इसमें यहाँ पे जो शून्य ज्ञात करने हमें शून्यकों का योग करना है तो शून्यक अपने पास में दो आएंगे, तो एक शून्यक हमने अल्फा मान लिया और एक शून्य क्या मान लिया हमने बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का हमें क्या करना है, योग करना है। तो यहाँ पे हमारे पास में सूत्र बनता है वी माइनस वी अपॉन ए, ये है अपने पास में, ये अपने हिंदी में लिखा हुआ है कि शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस जगह पे हमने योग की जगह पे अल्फा प्लस बीटा मान लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस वी अपॉन ए मान लिया। ऐसे यहाँ पे लिखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो गुणनफल है उसको हम अल्फा इंटू क्या मान लेते हैं बीटा, बराबर इसका होता है सी अपॉन ए, यानी कि सी का मान जो है वो अचर पद रहेगा इस जगह, सी यहाँ पे क्या रहेगा अचर पद रहेगा। तो अचर पद का जो भी मान आएगा अपॉन में ए का मान यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरीका से हमें अपने द्विघात बहुपद के बारे में इस 2.1 प्रश्नावली में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें देखना है दोबारा से कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद यानी कि जिस चर में अधिकतम घात दो हो, जिस चर में अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इस तरीका से अपने पास में इस चर में देखते हैं कि अधिकतम, इस बहुपद में देखते हैं अधिकतम घात कितनी है, दो है, इसलिए इसे हमें क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद की श्रेणी में रखेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो द्विघात बहुपद है ये किस श्रेणी में है, किस मानक रूप में अपने पास में दर्शाता है या आता है। तो द्विघात बहुपद का जो मानक रूप बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये किस काम आएगा, ये जो आने वाला है आगे जो जब सवाल चलेंगे अपने तो ये काम आएगा, यानी कि इससे हमें एक्स स्क्वायर में जो भी गुणा होगा यहाँ पे, यानी एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा वो हमारे पास में ए का मान होगा। जैसे अब इसमें देखते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक दो है तो ए की जगह पर मान कितना आया है, दो आया है, तो ए बराबर कितना होगा, दो होगा। ऐसे x का गुणांक यहाँ पर b है और यहाँ x का गुणांक माइनस तीन है, तो इस जगह पे देखते हैं कि b का जो भी मान आएगा वो अपने पास में माइनस तीन आएगा और c यहाँ पे अचर पद होता है। c क्या होता है यहाँ पे, अचर पद, और अचर पद का जो मान यहाँ पे दे रखा है पांच, तो वो c का मान आएगा। तो इस तरीका से ये अपने सवालों में इसका महत्व है, महत्व क्या है कि इससे हमें उस बहुपद में से ए वी सी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इस तरीका से यहां तक पहुंच गए। अब जब हम द्विघात बहुपद हल करेंगे, हल करने के बाद में अपने पास में अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें दो शून्य ज्ञात होते हैं, तो जब हम आगे शून्य ज्ञात करते हैं, शून्य ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में हमें सत्यता की जांच करनी है कि भाई अपने जो शून्य का है वो सत्य है या यानी सही है या गलत है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर शून्यकों में गुणांकों के मध्य सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो शून्यकों का योग निकालना है हमें सबसे पहले, तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का गुणनफल है बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरीका से अगर इसको हम ना लिखना चाहें क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनता है ये, और हमें मतलब छोटे रूप में और जल्दी सवाल को हल करना है, तो अगर इसको ना लिख पाएं तो
तो अपने पास में बिल्कुल शॉर्टकट है, अल्फा जो हमने शून्य कहे अपने पास में वो हमने अल्फा और बीटा मान लिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो ये अपने पास में 2.2 प्रश्नावली में जो पहला सवाल आएगा उसमें ये सभी काम आएंगे। अब 2.2 प्रश्नावली जो अपनी बहुपद की प्रश्नावली है उसमें मात्र केवल दो सवाल हैं। अब दूसरा सवाल है अपने पास में, उसमें हमें वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें एक सूत्र बना देता हूं सीधा सा डायरेक्ट, कि नंबर 4 लिख लेते हैं यहां पे हम द्विघात बहुपद बराबर, तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस यहां पे अल्फा बीटा यहां पे माइनस। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या है अपने पास में, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इस तरीका से हमें जब अल्फा बीटा अपने पास में है तो हमें उससे द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम अपने पास में सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा दे रखा होगा यानी कि शून्यकों का योग, और शून्यकों का क्या दे रखा होगा, गुणनफल दे रखा होगा अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरीका से हमें उसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। तो अपने पास में इस तरीका से ये 2.2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है और नियम है, इनसे अपनी 2.2 प्रश्नावली बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। तो एक बार इनको आप नोट कर सकते हैं, तो आगे देखते हैं हम। तो अपने पास में अब प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद में शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का पहला दे रखा है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के कितना दे रखा है 8। तो ये अपने पास में पहला अपने पास में बहुपद दे रखा है। अब ये जांच कर लेते कि ये जो अपना बहुपद है द्विघात बहुपद है, अब द्विघात बहुपद है तो इसमें शून्यकों की संख्या जो ज्ञात होगी वो अधिकतम कितनी होगी, 2 होगी। तो हमें अब सबसे पहले इसमें शून्य ज्ञात करने, क्या ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने। तो वैसे इन सवालों को हम, इन द्विघात समीकरणों यानी बहुपदों को हम कक्षा 8 से पढ़ के आ रहे हैं, 8 में भी दे रखे हैं और ये 9th में भी है, और उसके बाद में अपने पास में जो लास्ट अब है इस टाइम पे यानी कि कक्षा 10 में अत्यंत महत्वपूर्ण काम है इन द्विघात समीकरणों का यानी बहुपदों का। तो सबसे पहले हमें इसको हल करना है। तो देखो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सरल भाषा में जो अब तक ना सीखे होंगे तो आज ये गारंटी है कि इनको सिखा के छोड़ूंगा, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि ये अपने पास में चरपद है और ये भी अपने पास में क्या है, चरपद, और ये अपना अचर पद है। अब इसका गुणा हमें इससे करना है यानी कि
इस अचर पद का हमें इस एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, ठीक है ना। अब इन दोनों का हमें गुणा करेंगे तो पहले हम केवल अंक ले लेते हैं अपने पास में, मान के चलो अपने पास में जो अंक है वो 8 है। कितना है? 8। अब हमें 8 के खंड करने, थोड़ा सा रफ करूंगा इस जगह पे, तब जाके सवाल को हल करूंगा। तो 8 के हमें ऐसे खंड करने हैं जिन्हें जोड़ने और घटाने पर, यानी जिन्हें जोड़ने और घटाने पर अपनी जो बीच की संख्या है -2x उसके बराबर आने चाहिए। क्या करना है हमें? यानी 8 के ऐसे खंड करने हमें जिन्हें जोड़ने घटाने पर अपनी बीच की संख्या के बराबर आना चाहिए। तो अब यहां पर जैसे रफ के अनुसार हम देखते हैं कि यहां पर इसके खंड करते हैं कि 8 में अपना कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। तो सबसे पहले हमें यहां पर 1 लेना है। अब 1 का भाग 8 में देंगे तो सब जानते हैं कितनी बार जाएगा, 8 बार, भाई 8 एकम 8। उसके बाद में यहां पर अगली संख्या हम 2 ले लेते हैं, तो 2 का भाग 8 में देंगे। 2 का भाग किस में देंगे? 8 में। तो कितनी बार जाएगा यहां पर? 4 बार। अब 3 का यहां इस जगह पर 3 संख्या लेते हैं, इस जगह पर क्या लेते हैं? 3। पर 3 संख्या ले तो ले पर 8 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 3 नहीं लेंगे। अब देखते हैं इसमें 4, 4 × 8 उल्टा हो जाएगा, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का उल्टा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अपने पास में ये 2 खंड बने। अब इन दोनों खंडों में से हमें ये देखना है कि इस जगह को कौन सा खंड संतुष्ट कर रहा है। मैंने पहले बताया था कि इन्हें जोड़ने घटाने पर, या तो इनको जोड़ो या इन दोनों को घटाओ, इस तरीका से आपको, यानी हमको क्या है, ये बीच वाला संतुष्ट होना चाहिए। जैसे हम 8 में अगर 1 जोड़ें तो 9 हो जाएगा। अब 9 अपने पास में है नहीं है। अगर हम 8 में से 1 घटाएं तो 7 बीच में है नहीं है, तो अपने पास में मान लिया हमें ये अपने पास में क्या है, कैंसिल है, ये अपना कैंसिल हो गया, ये नहीं आएगा। अब अपने पास में ये दूसरा खंड बचा है 100%, यानी कि 100% ये बिल्कुल आएगा। अब ये कौन सी स्थिति में आएगा ये आपको देखना है, ये जो है ये कौन सी स्थिति में आएगा ये सिर्फ आपको देखना है कि ये जोड़ने पे आए या ये घटाने पे आए। तो जैसे हम देख लेते हैं 4 में 2 जोड़ते हैं तो 6 बीच में नहीं है, तो 4 में से 2 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो निश्चित ही आया है, किस में आया है? घटाने पर। यानी कि ये जो आने वाला शब्द है ये किस में आया है? घटाने पर। यानी कि 4 में से हमें 2 घटाना है, खंड सेकंड आया है अपने पास में, और पर वो कौन सी स्थिति में आया है? घटाने पर आया है। तो 4 में से 2 घटाना है, या ना कि 4 में 2 को जोड़ना है। तो अब देखते हैं अपने पास में ये आ गया, अब इसको हमें यहाँ पे बीच में रखना है। तो सबसे पहले इसको आगे हल करेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिया, यहाँ पे हमें इसमें रखना है। कौन सी स्थिति में रखना है? इसको हमें यहाँ घटाने की स्थिति में रखना है। अब इसमें से देखो, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे हम, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा बड़ी संख्या कहाँ आनी चाहिए? आगे, और छोटी संख्या कहाँ आनी चाहिए? पीछे। यानी हमें बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो हमने यहाँ पे रख दिया 4 − 2, यानी घटाओ, 4 में से 2 गए जब 2 बचे, और ये जो एक्स है ये हमने यहाँ पे रख दिया माइनस के कितना है? 8। तो अपनी स्थिति कंप्लीट तैयार हो गई। अब देखते हैं हम आगे सवाल को हल करने के लिए। देखो यहाँ पे कंटिन्यूटी, या का चिन्ह, जैसे अगला या ये आएगा, इसके बाद में ये संख्या आएगी, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब हम जानते हैं कि कोष्टक हटाने से पहले यदि चिन्ह प्लस का है कोष्टक से पहले, जैसे यहाँ कोष्टक है और कोष्टक से हमें पहले ये मतलब चिन्ह किसका है? माइनस का, और हमें ये कोष्टक हटाना है।
अगर कोष्टक से पहले चिन्ह अगर माइनस का है तो कोष्टक हटाने के बाद में अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, अगर प्लस का है तो उन कोष्टक के अंदर कोई चिन्हों का महत्व नहीं है, जो चिन्ह है वही चिन्ह आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस का गुणा करना है इसके अंदर। अब माइनस का गुणा कोष्टक के अंदर करेंगे तो चिन्ह तो बदलेंगे, तो माइनस का गुणा चार से करेंगे तो माइनस के चार और ये एक्स इन दोनों में लगेगा तो माइनस के चार एक्स, और माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो यहां पे आ गया प्लस और दो है और इसमें क्या लगाना हमें एक्स माइनस कितना है अपने पास में आठ। तो इस तरीका से अपने पास में ये खंड बन गए इसके। अब हमें दोनों का अलग अलग कॉमन लेना है, दोनों संख्याओं में से अलग अलग हमें क्या लेना है कॉमन लेना है, तो इन दोनों में से अगर हमें कॉमन लेना है तो वो अपने पास में क्या आएगा एक्स आएगा, क्योंकि देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है माइनस के यहां पर चार एक्स है, इन दोनों में हमें ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों में है, यानी दोनों में जो अवयनिष्ठ संख्या है जिसमें दोनों में उस संख्या का भाग जा रहा है। तो यहां पे इन दोनों की स्थिति में जैसे यहां पे चार है यहां पे नहीं है कोई अंक, यहां पे एक्स स्क्वायर है यानी एक्स डबल वार है और यहां पे एक्स सिंगल वार है, तो दोनों में कम से कम एक एक्स दोनों में उपलब्ध है, तो हमें इन दोनों में जो अवयनिष्ठ व्यंजक है अवयनिष्ठ संख्या है वो अपने पास में क्या है एक्स है, तो एक्स का अब हमें इसमें भाग देना है, एक्स का इस संख्या में भाग देना है, तो वो आया अपने पास में एक्स माइनस एक्स का भाग इस संख्या में देना है तो एक्स से एक्स कट गया तो कितना आया अपने पास में चार। अब यहां पे देखते हैं चिन्ह किसका है अपने पास में प्लस का, तो प्लस ले लिया। अब इस जो यहां पे हमने हल किया था सेम इसी तरीका से यहां पे इस सवाल को हल करना है, तो इन दोनों में हमें कॉमन देखना है। अब अपने पास में यहां एक्स है परंतु इसमें नहीं है, तो इन दोनों में जो कॉमन है यानी कि दो ले लेते हैं कि दो का इसमें भी भाग जाएगा दो का इसमें भी भाग जाएगा। अब बहुत से बच्चे जो साहब आठ ले लें, आठ इसमें तो चला जाएगा पर इसमें आठ में आठ का भाग दो में नहीं जाएगा, तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो दोनों में अवयनिष्ठ हो, जो दोनों संख्याओं में क्या हो अवयनिष्ठ हो। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब दो का भाग इस संख्या में देना है तो दो से दो कट गए, दो से दो कट गए तो कितना बचा एक्स या माइनस प्लस माइनस माइनस, दो का भाग आठ में देना है तो दो चौके आठ, तो अपने पास में यहां तक ये पहुंच गया। अब हम देखते हैं क्या देखते हैं कि एक निश्चित बात मैं बताता हूं यहां से आगे कि हम यहां से एक दो तीन चार लाइन हमने सवाल के हल कर ली, अभी हमें कुछ नहीं पता है ये अपना सवाल सही है या गलत है, पर हाँ मैं अब निश्चित कह सकता हूं कि इस लाइन पर जाके आप बता सकते हैं कि इस लाइन पर आप बता सकते हैं कि अपना सवाल सही है या गलत है। अब वो कैसे बताएंगे कि निश्चित बात मान लेना कि दोनों कोष्टकों में अपनी समान संख्या आनी चाहिए, कि दोनों कोष्टक जो अपने दे रखे हैं, जो दोनों कोष्टक हमें कॉमन के बाद में जो दोनों कोष्टक हम लाएं, उन दोनों कोष्टकों में अपने पास में जो संख्या है राशियां हैं वो बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अगर मान लो ये दोनों संख्या बराबर हैं तो अपना सवाल 100% यानी 100% बिल्कुल सही है, किसी से मतलब पूछने की या देखने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने मन में मान लेते हैं कि अपना ये सवाल बिल्कुल सही है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे, अब इसमें से और इसमें से हम कॉमन लेना चाहते हैं तो ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम कॉमन लेंगे यहाँ, ये अपना उसके बाद में शेष बच जाएगा। तो अपने पास में एक तो ये बाहर की संख्या है और एक अंदर की संख्या है। वैसे मैं इस सवाल में डायरेक्ट बता देता हूँ, पूरा सही बता देता हूँ, फिर अगले सवालों में नहीं बताऊंगा। जैसे मान चलो जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, इस जगह पे हमने कॉमन लिया है, वही कॉमन हमें यहाँ पे लेना है इस जगह पे, तो इन दोनों जगह पे हमें कॉमन देखता है देखते हैं कि इस जगह में तो x माइनस चार अपने पास में क्या है
कॉमन है, इसका भाग इस संख्या में देंगे तो x माइनस चार से x माइनस चार कट गया, क्या बचा अगले कोष्टक में x, और इसका भाग इस संख्या में देंगे तो इससे ये कोष्टक कट गया, तो प्लस के क्या बचा है दो। तो अपने पास में यहां तक ये सवाल आ चुका है। अब आगे देखते हैं कि हमें अब शून्य ज्ञात करने, इस सवाल के अंदर क्या ज्ञात करने, शून्य। तो शून्य के लिए x माइनस चार बराबर क्या रख देते हैं, जीरो, या x प्लस टू बराबर भी क्या रख देते हैं, जीरो, ठीक है ना। अब आगे x बराबर इस चार का हमें पक्षांतरण करना है, यहां पे ये माइनस के हैं तो उधर जाने पर ये किसके हो जाएंगे, प्लस के, या ऐसे यहां पे x बराबर ये प्लस के दो हैं, उधर पक्षांतरण करने पे किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये अपने पास में दो शून्य आ चुके हैं, ये अपने पास में क्या है, दो शून्य हैं, इस सवाल के दो शून्य हैं। यानी शून्य का मतलब, शून्य का अर्थ क्या है कि इस x का मान इसमें अगर रख दें तो इसको, इस बहुपद को शून्य पर रखकर रख देता है, ऐसे यहां पर माइनस दो तो यानी x का मान इसमें रखने पर इस बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्य का मतलब है शून्य, तो इसीलिए तो कहते हैं ये दोनों इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, यानी इन दोनों शून्यकों से ये बहुपद बिल्कुल अगर इसमें मान रखते हैं तो शून्य की संख्या प्राप्त होती है। अब अपने ये दोनों शून्यक हैं, अब हमें जांच करनी है कि ये दोनों शून्यक अपने सही हैं या गलत हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमें पता है कन्फर्म लगभग मैंने यहां पर बता दिया था कि ये दोनों, यहां तक सवाल सही था, इसके बाद में ये दो लाइन निकालनी है, ये शून्य आ गए अपने अब पर, लेकिन इसकी हमें क्या कर लेनी है, जांच कर लेनी कि ये अपने शून्यकों की जांच करनी है, उसमें पूछिए कि जांच हमने करनी है ये। तो यहां पर हम जांच कर लेते हैं, जांच के लिए मैंने आपके लिए सूत्र बताया था, पहले तो हमें इसमें ऐसे मानक रूप लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से हमें क्या करनी है, तुलना करनी है, यानी कि इस बहुपद से हमें ए बी सी के मान ज्ञात करने। तो सबसे पहले यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, और यहाँ पे कितना है, एक, जब कोई अंक नहीं है तो क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा उस जगह पे। तो ए का मान क्या है इसमें, एक। अब v का मान देखते हैं इसी तरीका से कि यहाँ पर x है और यहाँ b है, यहाँ पर x है x की जगह पर, b की जगह पर यहाँ पर कितना है, माइनस दो, तो v का मान हो गया माइनस टू। ऐसे c इसमें अचर पद है और यहाँ c का मान कितना है, माइनस के आठ। तो इस तरीका से हमने यहाँ पर a b c के मान ज्ञात कर लिए। अब हमें यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो यहां पे माइनस बी अपॉन ए, और यहां पे ले लेते हैं हम अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, यहाँ पे ले लिया हमने c अपॉन a। तो अब देखने कि ये आपस में दोनों बराबर हैं, ये आपस में दोनों बराबर हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे अल्फा, अल्फा और बीटा, ये दोनों अपने पास में अल्फा और बीटा है, इन दोनों में से कोई सा भी आगे रख सकते हैं, इसको अल्फा मान लो या इसको बीटा मान लो, या इसको अल्फा मान लो इसको बीटा मान लो, कोई सा भी आगे हम रख सकते हैं। जैसे पर ये माइनस का है तो हमने यहाँ पे मान चलो माइनस टू रख दिया, प्लस यहाँ पे कितना रख दिया, चार, या चार माइनस दो भी रख सकते हैं, चार माइनस क्या रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं बराबर, या माइनस है और कोष्टक में डबल चिन्ह है ना, वी का मान देखते हैं। अब v का मान अपने पास में यहाँ माइनस दो है तो माइनस दो रख दिया, बटे a का मान कितना है, एक, ये अपने पास में यहाँ आ गया। ऐसे ही यहाँ पर माइनस दो इंटू कितना रखना है, b का मान चार, यानी बीटा का मान कितना, चार,
बराबर सी का मान कितना है माइनस आठ, देखो ये रहा माइनस आठ, बटे ए का मान कितना है एक। इस तरीका से आपस में मान रखने हैं। ये अल्फा बीटा है और ये ए बी सी के मान हैं, इनसे हमें जांच करनी है। तो देखो माइनस दो है और प्लस के चार हैं, अब अधिक संख्या प्लस की है तो प्लस के बचेंगे, तो प्लस के यहां पर कितने बचे दो, बराबर माइनस माइनस प्लस, अब एक का भाग दो में लेंगे तो दो ही आया। ऐसे इधर देखते हैं चार दूनी आठ माइनस के आठ बराबर एक का भाग आठ में देंगे तो माइनस के आठ। तो इस तरीका से आपस में अपने जो शून्यकों की जांच की है हमने सत्यता की, वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो ऐसे अपने सवाल चलते रहेंगे, चार पांच लगातार सवाल चलेंगे, उस आधार से बिल्कुल आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो एक बार इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। हाँ तो आगे अब अपना क्वेश्चन नंबर टू चलता है उसका। तो पहला क्वेश्चन का सॉरी पहले क्वेश्चन का नंबर टू सवाल। तो अब हमें देखना है सेम इसी तरीका से जो पहला सवाल था उसी तरीका से अगला क्वेश्चन है। फोर एस स्क्वायर माइनस के फोर एस प्लस वन, जैसे हमने पहला सवाल बताया था सेम उसी तरीका से अपना ये दूसरा सवाल है। तो देखो सबसे पहले यहां पे हमें कंटिन्यूटी लगाना है, चार एकम चार, चार एकम चार, हमने चार यहाँ पे ले लिया। अब हमें चार के क्या करने खंड करने, तो एक का भाग चार बनेंगे तो चार बार, दो का भाग चार बनेंगे तो दो बार, तीन का भाग जाएगा नहीं, चार का भाग उल्टा हो जाएगा, तो अपने पास में ये दो खंड बने। अब हमें क्या देखना है कि इन दोनों खंडों में से कौन सा खंड हमें इसको संतुष्ट करता है। देखो चार में अगर हमें एक जोड़ना है तो पांच हो जाएंगे, पांच अपने पास में यहाँ है नहीं है, चार में से हमें एक घटाना है तीन बचेंगे, तो जो तीन अपने पास में है नहीं है तो ये अपना कैंसिल हो गया, ये नहीं आएगा खंड। अब देखते हैं अगर दो में से दो यानी दो में दो जोड़े तो कितना हो जाएगा चार, चार अपने पास में है, दो में से दो घटाएंगे तो जीरो, जीरो अपने पास में है नहीं है। तो इनको यहां पे हमें क्या करना है, खंड ये आएंगे पर इन दोनों को क्या करना है हमें जोड़ना है, यानी जोड़ने पर ये दोनों खंड इस बीच वाले को संतुष्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि दो गुण दो प्लस दो को क्या करना है जोड़ना है। तो यहां पर देखो चार एस स्क्वायर माइनस का चिन्ह अपने पास में है ही है, इस कोष्टक के अंदर हमें जोड़ना है यानी दो प्लस दो करना है। तो दो प्लस दो हमने कर दिया, यहां पे एस दे रखा है इस जगह पे, प्लस के कितना है एक, ठीक है ना।
अब हमें कोष्टक को हटाना है। अब कोष्टक हटाने के लिए ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि चार एस स्क्वायर तो अपने पास में है, ये कोष्टक से पहले बिल्कुल बारीकी से ध्यान देना है कि चिन्ह किसका है, माइनस का, तो इसके अंदर के हट जाएंगे, तो माइनस के 2s हो जाएगा, ये भी माइनस के 2s हो जाएगा, ठीक है ना। ये अपने पास में यहाँ तक हो गया, प्लस कितना है अपने पास में एक। अब हमें क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने के लिए कंटिन्यूटी लगा दी हमने, और इन दोनों में देखते हैं कि दो का दोनों में भाग जा रहा है तो दो ले लिया, और एस स्क्वायर में और एस में दोनों में एस कॉमन है, यानी कि 2s हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, 2s कॉमन ले लिया। अब 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा, और s का भाग s स्क्वायर में देंगे तो s आएगा, माइनस 2s का भाग 2s में देंगे तो कितनी बार आएगा, एक बार, माइनस। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, देखो दो लें तो यहाँ पे नहीं है, s लें तो यहाँ पे नहीं है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों में एक ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों में भाग जा रहा है, तो वो हमेशा ऐसी एक ही संख्या है जिसका किसी भी संख्या में हम भाग दे सकते हैं, वो है अपने पास में एक। अब कहने का अर्थ एक बात बताऊं शॉर्टकट में, कि जब कभी भी कहीं कॉमन ना लेवे तो हमेशा उस जगह पे कॉमन कितना लेना है, एक लेना है। तो इस जगह पे इन दोनों का कॉमन कितना है, एक, एक का भाग देंगे 2s, एक का भाग इसमें देना है तो 2s ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, एक का भाग एक में देंगे तो एक। तो अब देखते हैं कि दोनों कोष्टकों में संख्या समान है, इसलिए अपना यहां तक ये सवाल बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सवाल सही है। अब आगे देखते हैं कि वही है, अब डायरेक्ट ऐसा करना है, अब डायरेक्ट बताऊंगा, पहले मैंने बताया था कॉमन लेने के बाद। अब तो ये रखना कि एक इन दोनों कोष्टकों में से और एक ये संख्या बाहर की, तो क्या आएगा, 2s, 2s माइनस एक, और दूसरे कोष्टक में भी 2s माइनस एक। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं इसके, तो 2s माइनस एक इजिकल टू जीरो, या 2s माइनस एक इजिकल टू क्या है, जीरो। आगे देखते हैं कि एक उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और दो कहाँ जाए, गुणा में, इसलिए कैसे में जाएगा, भाग में, तो डायरेक्ट कर देता हूँ, यानी कि s इजिकल टू वन अपॉन टू, यानी s बराबर एक बटे दो। ऐसे यहाँ पे सेम डिटू, s बराबर एक बटे कितना आएगा, दो आएगा। तो ये अपने पास में यहाँ पे क्या है, शून्यक हैं, ये अपने पास में क्या है, शून्यक है। अब इनकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच के लिए सबसे पहले यहाँ पे जांच कर लेते हैं, जांच में a एस स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी एस प्लस यहाँ पे का है सी से हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। अब कि मैं s दे रखा है, जो चर राशि है वो s है, पहले उसमें, पहले अगले सवाल में क्या थी, x थी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि a का मान बिल्कुल नॉर्मल है, a बराबर चार, b बराबर माइनस चार, और c बराबर कितना है अपने पास में, एक। कोई भी अंतर नहीं है, जो मैंने पहले सवाल बताया था सेम डिटो वही सवाल चल रहा है, वही तरीका है, कोई अन्य तरीका नहीं है। तो इस तरीका से यहाँ पे अब हमें अल्फा प्लस यहाँ पे क्या लेना है, बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, वही हमें जांच के सूत्र लगाने हैं। अब अल्फा और बीटा मैंने पहले बताया था, इनमें से कोई सा भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल में दोनों समान हैं, तो जो भी नहीं पता पड़ेगा कि कौन सा हमने पहले लिया है, कौन सा हमने बाद में लिया है। तो यहाँ पर एक बटे दो प्लस यहाँ पर एक बटे दो बराबर माइनस,
वी का मान देखते हैं, वी का मान अपने पास में यहां दे रखा है, तो माइनस के चार अपॉन ए का मान कितना है, चार। ऐसे इधर देख लेते हैं कि एक बटे दो इंटू एक बटे दो बराबर सी का मान एक, और ए का मान अपने पास में कितना है, चार। यहां पर लेस लेते हैं दो, तो एक प्लस एक बराबर यहां पर चार बटे चार, और यहां पर एक एक कम एक अपॉन फोर, दो दो नहीं चार बराबर एक बटे चार, बराबर हो गए दोनों पक्ष उधर। अब इधर देख लेते हैं कि यहाँ पे दो बटे दो हो गया, और इसको भी काटे तो दो बटे दो आ जाएगा, तो अपना मान के चलो दोनों तरफ से अपना बिल्कुल सही है। तो अपन हमने जो सत्यता की जांच की है वो बिल्कुल सही है। तो मैंने आज आपको दो सवाल बताए, और मेरे हिसाब से दोनों सवाल सेम डिटो एक तरीका से, कि यहाँ पे अपने पास में त्रिपदीय व्यंजक आया है, उसके हमने यहाँ पे खंड किए, खंड के बारे में बता दिया कि किस तरीका से हम खंड करते हैं, खंड किए उस जगह पे। यहाँ पे हमने कोष्ठक घटाने से, अगर कोष्ठ में थोड़ा सा हल्का हल्का सा बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर कोष्ठक से पहले चिन्ह माइनस का है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, और यहाँ पर प्लस का है तो कोष्ठक के अंदर के चिन्ह बदलते नहीं, क्योंकि प्लस का हम किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, और माइनस का हमें गुणा करना है तो वो संख्याओं को बदल देता है। तो इस तरीका से यहाँ पे हमने फिर कॉमन लिया है, कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे हमने दो शून्य ज्ञात किए हैं, और यहाँ पे इससे इस जो मानक रूप है द्विघात समीकरण का, इससे हमें ए बी सी के मान ज्ञात होते हैं, और यहाँ पे हमें सत्यता की जांच करनी है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए मान रख के इस तरीका से हमें। तो आज यहीं तक अपना कार्य किया है, और आगे अब आगे देखेंगे।